मध्य प्रदेश में पन्ना जिले की रत्न गरबा धरती कब किस पल किसी आम इंसान की किस्मत बदल दे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं। यहाँ की रत्न गरबा धरती ने कई लोगों के ऊपर छप्पड़ फाड़ के अच्छी किस्मत की बौछार की। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा के रहने वाले शख्स के साथ, जिसके हाथ एक बार फिर से लाखों का हीरा लग गया। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले एक शख्स ने 2 साल पहले साल 2021 में पन्ना में हीरा खदान लगाने का काम शुरू किया था, जिसके बाद से यहां उसने काफी फायदा मिलने की बात कही। अब तक कुल मिलाकर इस इंसान को खदान से 11 हीरे मिल चुके हैं। बता दें ये दंपति पहले नोएडा में अपना खुद का बिजनेस किया करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से ये कपल पन्ना में ही बस चुका है। बता दें इस बार खदान की खुदाई में 8.01 कैरेट का बेशकीमती हीरा निकाला गया। इस हीरे की कीमत लाखों में बताई जा रही। मार्केट में इस वक्त चल रहे डायमंड रेट के अकॉर्डिंग अगर इसकी अनुमानित कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही। बता दें पन्ना की हीरा उगलने वाली इस खदान से लगभग कुछ दिनों पहले एक किसान को भी खुदाई के दौरान हीरा मिला था। इस हीरे का वजन करीब 7 कैरेट बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसने अपने साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचकर इस हीरे को जमा करा दिया था। बात करें इस हीरा उगलने वाली जमीन की, जहां पर ये खदान लगाई गई थी तो ये खदान जरुआरपुर में लगाई गई। बहरहाल इस हीरे को जिला कार्यालय में जमा करा दिया गया है। इस पूरे मामले पर मिनरल एंड डायमंड ऑफिसर का कहना है कि जरुआरपुर की शैली डायमंड माइन से हीरा प्राप्त हुआ। बता दें इस 8.01 कैरेट के हीरे की कीमत बोली के बाद तय की जाएगी, जिसके बाद इस हीरे की कीमत से 12% रॉयल्टी काट कर इस पन्ना व्यापारी को दे दिया जाएगा और बाकी साथियों में बांट दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हीरा खुदाई के लिए जमीन लीज पर लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो बता दें कि अगर किसी किसान के खेत में खुदाई करनी है तो आपको उसके लिए किसान से सहमति पत्र खनन विभाग में जमा कराना होगा। आमतौर पर जमीन मालिक इसकी एवज में 25% का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर खुदाई के दौरान हीरा मिलता है तो हीरे की कुल कीमत का 25% हिस्सा जमीन मालिक को दिया जाएगा। बता दें हीरा खदान की मंजूरी लेने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। जमीन की खुदाई करने के लिए वहां पर लगे हरे भरे पेड़ों को काटना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ काटने की वजह से पन्ना क्षेत्र में टाइगर हलचल भी प्रभावित हो रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 18 ओरिजिनल्स।